की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे यो की सरकार हाय 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 हाय। अरे यो की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब से कोरोना वायरस महामारी शुरू हुई है, जब से शवों की तादाद अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस में बढ़ गई है। अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस में लगभग रोज़ाना 12 शव लाए जा रहे हैं। 12 शवों का पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है। बताया ये जा रहा है कि हफ्ते भर में 100 के करीब शव यहां पर लाए जा रहे हैं। ये भीड़ देखकर आप चौंक रहे होंगे, तो फिर ये भीड़ यहाँ क्यों जमा है? ये लोग हैं अलीगढ़ के युवा कांग्रेस के लोग हैं। ये जिला अध्यक्ष कपिल शर्मा और महासचिव कुंवर गौरांग चौहान की अगुवाई में यहाँ पर आए हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने आज एक ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में ये जताया है कि अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस में की जा रही है अवैध वसूली। हालांकि इस लोड को देखते हुए, इस भार को देखते हुए, अब हर शव का पोस्टमार्टम करने में 3 से 5 दिन लग रहे हैं। मृतकों परिजनों का आरोप ये है कि जो यहाँ के कर्मी हैं, जो यहाँ का स्टाफ है, वो शवों को सुरक्षित रखने के लिए अवैध वसूली कर रहा है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इस्तेमाल हुई पीपी किट्स भी पड़ी हैं, जिससे कोरोना वायरस संक्रमित होने का काफ़ी डर है। और काफ़ी ज़्यादा आरोप यहाँ लगाए गए हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी इस पर आई हैं। इससे पहले हम आपको बता दें प्रियंका गांधी का वो क्या ट्वीट था, जिससे कांग्रेसी यहाँ पर जमा हुए हैं और ज्ञापन दिखे गए हैं। प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया था, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीगढ़ के पोस्टमार्टम गृह में भारी अव्यवस्था है। शव बाहर रखे हैं। मृतकों के परिवार के अनुसार उनसे बर्फ की सिल्ली के लिए पैसे की उगाही की जा रही है। कोरोना काल में सरकार के दावों के बावजूद भारी दुर्दशा की खबरें आ रही हैं। तो ये ट्वीट जो है, ये प्रियंका गांधी ने किया था, और इसके बाद युवा कांग्रेसियों में उबाल आया और वो पहुंच गए अलीगढ़ के पोस्टमार्टम हाउस पे, जो तस्वीरें आपके स्क्रीन के सामने हैं। जब मीडिया ने पोस्टमार्टम हाउस के प्रभारी से बात की तो उनकी बात चौंका देने वाली थी। उन्होंने कहा कि समस्या ऊपर के जितने अफसर हैं उनको मालूम है, कई बार लेटर भी उनको लिखा जा चुका है। पोस्टमार्टम हाउस के प्रभारी दीक्षित जी ने बताया कि हम अपनी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई बार लिख चुके हैं अफसरों को, लेकिन ऊपर से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हर दिन औसतन 12 शव आ रहे हैं, जिनकी अलग अलग परिस्थितियों में मौत हो रही है, जिसमें से कुछ को कोरोना जांच भी कराई गई है। कोरोना जांच के आने का इंतजार होता है, लेकिन रिपोर्ट 3 से 6 दिन में आ रही है। यहाँ 2 डीप फ्रीजर हैं, ये भी बताया, जिनमें शवों को रखा जाता है। 1 डीप फ्रीजर खराब होने के कारण ये परेशानी आ रही है। बताया जाता है कि 1 फ्रीजर में 6 शव को सुरक्षित रखा जाता है, रखने की व्यवस्था है, जबकि दूसरा डीप फ्रीजर खराब है। तो इसलिए वैसे तो इन कमियों का संज्ञान प्रदेश सरकार को लेना चाहिए, लेकिन अगर प्रदेश सरकार खामोश है तो फिर ये काम विपक्ष को करना होगा। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ।